हेलो गाइस, आज मेरे पास आ चुका है ये स्मार्ट वॉच फिट प्रो का, और आज मैंने इसको अनबॉक्स करने का ट्राई लिया है। तो हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अनबॉक्सिंग पहले आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसके जो पार्ट है उसको असेंबल करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद ये इसकी पूरी जितनी भी जानकारियाँ हैं हम लोग खुद आपको लेके बताएंगे ना। हम लोग ले चुकी है, बाकी आपको बताएंगे। और ये अलग वॉच है, थोड़ी सी अलग है। इसमें देखा है कि इसमें वॉच में कुछ चेंजेस भी मैंने बॉक्स में देखा है। तो जो चेंजेस हैं वो इसका बटन है, जो स्क्रीन बटन है स्क्रीन टच है वॉच, इसीलिए यहाँ पर। तो मैं पहले अनबॉक्सिंग ही कर देता हूँ, बाद में आपको कुछ बताऊँगा। और हाँ, सबसे पहले वीडियो सब्सक्राइब करो, करो जल्दी सब्सक्राइब करो, ऐसे ही तो हम लोग 1 के सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुंचेंगे। अभी हम लोग 100 सब्सक्राइबर है, फिर हम लोग 500 होंगे, फिर 1K। अबे निकल जा, बेइज्जती करा रहे हो, निकल 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 निकल। तो गाइस, अब हम लोग उसको निकालने के बाद देखते हैं। फाइनली गाइस, इतनी देर की मेहनत के बाद, वैसे इतनी देर की मेहनत तो क्या, मैंने इसके अंदर सोफ्ता भरा हुआ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके बगल इसको अटैच कर दिया। हमारे तो लग गए, हमको पता नहीं और ये कहाँ से खोले। फिर मैंने सोचा कि इसको पीछे से मैंने कट किया, फिर मैंने इसको इधर से धक्का दिया, फिर मैंने इधर से हल्का खींचा, फिर उसके बाद इधर और धक्का दिया, फिर मैंने इधर से और खींचा, फिर उसके बाद हमारे पास है ये बॉक्स। जैसा कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसका ये जो ये बटन है बहुत बड़ा है, हमारी वॉच में ये बहुत छोटा है। और मुझको इसमें एक बात नहीं समझ में आ रही, सिर्फ टाइम के चेंज करना। तो आप लोग के साथ भी ऐसे ही कुछ सिस्टम होगा, हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको सिस्टम इसका बदलना है और कैसे आपको इसका इसको असेंबल करना है। तो हम लोग बातें करते करते भी अनबॉक्सिंग करते हैं साथ। तो सबसे पहले हम लोग को देखने में मिल जाता है एक चाइना का यूजर मैनुअल। अरे सॉरी, एक्चुअली गाइस ये इंग्लिश में भी है, वो डबल लैंग्वेज दी होती है, तो इसमें चाइना सिलेक्टेड लैंग्वेज है। तो बस आपके सामने है शानदार सी वॉच। सबसे पहले हम इस पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है स्क्रीन, स्क्रीन का ये गार्ड हम निकाल देते हैं, और ये स्क्रीन ऑन हो चुकी है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा चार्जिंग पिन, और इसके आपको अडैप्टर जो होता है उसका जो केबल घुसाने वाला होता है उसमें आपको ये घुसे दे घुसड़ देना है, तो उससे ये चार्ज होने लगे। मैंने इसको भी 75 कर दिया है, जैसा कि आप लोग बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। और बैक साइड में इसके सेंसर है, बट मेरे कोई बात नहीं आ रही इसमें सिम कहाँ से घुसेगी, क्योंकि इसमें वो दिखाया गया इसमें व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि आप लोग कॉलिंग भी इसमें दिखा रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। अब आज चाहते हैं हम लोग अपने बैंड्स पे, बैंड्स पे हम लोग यहाँ पे दो दो बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली हर वॉच में, इसमें हर स्मार्ट वॉच में देखने को मिलेंगे। तो इन सबको पहले हम लोग असेंबल करने के लिए रख देते हैं, तो असेंबल भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद हम लोग असेंबल कर देंगे। तो अभी तो इस सबको साइड में करते हैं और यूजर मैनुअल पढ़ते हैं। तो साफ साफ जैसा इसमें लिखा है कि आप इस QR कोड से कोई भी इंस्टॉल ब्रेसलेट ऐप ऑन योर फोन, तो इससे आप लोग अपने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं किसी भी तरीके से, और इसमें मैसेज भी रिसीव होते हैं। तो बाकी यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन है, तो कनेक्शन के बारे में हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्लॉक इंटरफेस, इसमें हम लोग को जानना है। अब आफ्टर सेटिस सिंकिंग विद द फोन द ब्रेसलेट विल ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट द साउंडनेस द फोन होल्डर्स। तो इसमें जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो क्लॉक का टाइम है हमारे, उसको हमारा सेट करेगा हमारा मोबाइल। जैसा हमारा मोबाइल में टाइम होगा, वैसे ही हमारा टाइम क्लॉक में जाएगा। इसलिए हमारे फ़ोन को, हमारे वॉच को दोनों की कनेक्टिविटी बनाए रखी है, हमारा फोन करेक्ट टाइम नहीं दिखाएगा। और भी कुछ है बट इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी वॉच की तरफ से। सबसे पहले हम अपनी वॉच को असेंबल करते हैं। तो असेंबल हो जाएंगे भाई, हो जाए ना। और ये भी कभी कभी होता है कि गलत, अगर गलत जगह पे गलत पट्टा घुस देते हैं तो ये फंस जाता है, जैसे कि मैंने शायद गलत पट्टा घुस दिया, बट कोई नहीं, उन लोग बाद में देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं अहम लेता हूँ भाई, यार यही दिक्कत रहती है।
और ये मैंने प्री साइज मंगाई थी क्योंकि मेरे को मेरा साइज पता नहीं है, ऑनलाइन भी मेरे को कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन आई है, मैंने इसको प्री साइज मंगाया था और ये मेरे साइज से बंद हो चुकी है। सबसे पहले इसकी मोबाइल की इसकी स्क्रीन की इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं, तो इसका लॉग इन इंटरफेस यही है, इसको हम लोग को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह इस तरीके से कुछ इसका लॉग इन इंटरफेस है और दो टाइप के आते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऐसे दबा के रखा चेंज हो गया, इसको मैंने ऐसे दबा के रखा फिर से चेंज हो गया। और उसका नेक्स्ट फीचर क्या है, हमारा जो स्टेप है ये बताता है और हमने कितने स्टेप चलना है ये भी बताता है। तो उसको पहले पूर्ण हो चुका है गाइस, हम लोग फिर से खोलना होगा। तो इसमें क्या सबसे जैसे कि हमारे पैरेट को डिटेक्ट करता है, तो अभी हम लोग चलने वाले और टेस्ट करने वाले क्या ये काम करता है। चलिए गाइस, इसमें एक सिस्टम है कि अगर आप कुछ कदम चलते हो तो ही ये आपको बताता है, बाकी ये ऑफ हो गया मेरे को लगता है कुछ कदम चलने के बाद ही सिस्टम बताता है। जितना सिस्टम अभी मैंने आपको बताया है तो उतना तो हो गया, अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से। तो चलो चलते हैं फ़ोन की तरफ। सुबह जब हम लोग का जो घड़ी का सेटअप था, वॉच का सेटअप था, वो पूरी तरीके से हो चुका है और अभी हम लोग घड़ी का थोड़ा थोड़ा सिस्टम समझ आ रहा है। जो हमारे स्टेप थे अभी तक जीरो थे, मतलब घड़ी से बिना कनेक्ट किए तो बहुत ज़्यादा ही दिखा रहे थे, कहीं कुछ दिखा रहे थे कहीं कुछ, अपने मन से हो रहा था। बाकी घड़ी से कनेक्ट करने के बाद हमारे हो चुके 24 स्टेप और उसमें सबको दिखा, जैसे PM हो रहा है और संडे 4:03 हो रहा है, और उसमें अगर हम सेटल आए वाला दूसरा वाला इंटरफेस रखें तो इसमें 17:04 दिखा रहा है, 17:04 वाला हमको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। बट यार इसमें और भी फंक्शन हैं, बट इसमें कुछ सिस्टम तो होगा जैसे कि इसका फंक्शन हो। तो भाई हम लोग कुछ दिनों बाद इसका अच्छे से आपको अच्छे से बताएंगे। मैंने अभी खुद ही आज ऑर्डर किया और मैं आपको खुद ही अनबॉक्सिंग वगैरह दिखा दिया, इसके फीचर दिखा दिया अच्छे से। मैं इसका ओनर मतलब अपना ओन प्रायोरिटी बताऊंगा कि मेरे को कैसा लगा, मेरे को कैसा लगा इसके साथ वर्क करके और इतना अच्छा लगा, और किस हिसाब से जिस हिसाब से इसका बजट है क्या उस हिसाब से ये अच्छी है। एक सेकंड रुको गाइस, बहुत गड़ रहा है मेरे, एक सेकंड बड़ा कर लेता हूँ, मैंने बहुत टाइप कर लिया। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें एक और फीचर मैंने अभी अभी नोटिस किया जो कि इसके इसके बैंडेज के साथ है, ये है आयरन और ये है मैग्नेट। जैसे ही आप इसको हल्का सा ढीले पे मैं रख के अंदर डालूंगा, इधर आप देख लो इधर अटक चुका है, इसको मैं उखाड़ूंगा, इसको देखो गाइस मैग्नेट के साथ ही ऐसे सब दिक्कत होती है, उखाड़ पा नहीं, देखो अब मैं अटक चुका है। तो इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि आपके बजट में कैसे आ सकती है और कितना अच्छा बजट है उस हिसाब से वर्क करती है। मैंने खुद देखा है कि कुछ बहुत महंगी मैंने बहुत महंगी वॉच मंगाई थी, स्मार्ट वॉच, उसका किस्सा उसकी शायद अनबॉक्सिंग शायद है चैनल पे, शायद से नहीं है हाँ, और वो थी 800 रुपीज़ की। हाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं वो तो, मैं खुद से बता रहा हूँ कि वो बहुत बेकार थी, बहुत बेकार, मेरे 800 रुपीज़ डूब गए थे उस समय। तो फिर मेरे को कोई ऑर्डर कुछ देने था, फिर मैंने ये ऑर्डर किया तो सब ने कहा ठीक है, मैंने सिस्टर ने कहा ये ठीक है तो मैंने मंगा लिया और अच्छी भी लग रही है देखने में, जैसे कि किसी के सामने चलते चलते कसम मारा मजा आती है। तो यही था हमारी वीडियो का मेन मोटिव, ये आपको दिखाना है कि क्या कर सकते हैं, मतलब आप अपने फ्री टाइम में किस किस चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास बजट कम है तो। क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं जो बजट को ज़्यादा होता है, वो ऑफलाइन शॉप से खरीदते हैं, पर बजट कम होने के साथ साथ वीडियो दिखाता है, क्योंकि मेरे को अच्छी लगी, मैं ऑनलाइन देख रहा था आपको, बाज़ार कौन ही जाए इतना दूर, यहाँ से अच्छी ये तो वॉच है स्मार्ट वॉच इतना पास नहीं मिलती, थोड़ा दूर मिलती है, और मैं घर पे आ गया मैं बैठे बैठे और याद आते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत अभी भी कोरोना है, मेरी वैक्सीन लग चुकी है, डर तो सबके, इसलिए आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 12-14 साल की वैक्सीन कैसी है वो लिखवा लीजिएगा। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जरूर यही बताइएगा जो लोग क्या कहते हैं जो लोग अपनी